580 के एनजी लेवल से सर आपने बोला था कि 420 के लेवल, 580 पे सर आपने डाउन पोजीशन के लिए बोला 420 के लेवल। सर कहां से लाते हो सर आप ऐसे, कहां से इतना कॉन्फिडेंस लाते, कौन सा नॉलेज है आपका? क्या ये फिर एक कोई बंदा बोलता है अरे यार तुक्का मार दिया होगा, फिर मेरे वीडियोस देखते हैं पुराने, अरे सर ने ये ऐसा सर है ना पिछले 4 महीने में ऐसा सर 10 से 20 बार कर चुके हैं। अरे भाई ये तो तुक्का नहीं है सर जी, ये कैसा नॉलेज है सर, हमें भी शेयर करो सर, हमें भी दो सर, हमें भी सर, हमें भी करोड़पति बनना सर, हमें भी 1 महीने में बहुत कुछ करना है। ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं और आते हैं गाइस। अब काफी लोग पूछते हैं कि सर ये ऐसा कौन सा नॉलेज है सर, कैंडलस्टिक वाले तो कभी ऐसा नहीं देते हैं, आपके पास ऐसा कौन सा नॉलेज है सर, शेयर करिए हमारे पास। तो दोस्तों इसी पे वीडियो बनाने वाला हूँ, नेचुरल गैस के लेवल्स भी देने वाला हूँ आपको कि नेचुरल गैस में आने वाले टाइम में क्या होगा, नेचुरल गैस में कौन कौन सी जियो पॉलिटिकल न्यूज आई, उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या होगा पूरा एनालिसिस करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कम्बो ऑफ नॉलेज एंड द इंट्राडे लेवल्स एंड शॉर्ट टर्म एंड पोजिशनल ट्रेड। तो चलिए दोस्तों वेट किस चीज का, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबा लीजिएगा, सेलेक्ट ये जो बेल आइकन दिखेगा जैसे आप सब्सक्राइब करोगे बगल में बेल आइकन दिखेगा उसको सेलेक्ट, उसको क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल करेंगे तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जैसे मैं को अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए, वेलकम यू ऑल, दिस इज अजय एंड यू आर वॉचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल। चलिए बात कर लेते हैं आगे वाले लाइन में क्या करना है हमको, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज आई है सबसे पहले, तो ये न्यूज तो उसकी थी, देखिए यहाँ पे जो न्यूज आई है वो न्यूज आई है आपकी, यहाँ पे न्यूज आई है देखिए, हाउ यूरोप्स नेचुरल गैस केप कुड बैकफायर, ठीक है ना। तो देखिए जो नेचुरल गैस में पूरा माहौल था वो प्राइस केप का ही था, पूरा माहौल पहले से ही वॉट लगी हुई थी कि हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वगैरह मार्केट में चल रही है, काफी सारे इश्यूज हो रहे हैं राइट, बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में, लेकिन अब धीरे धीरे अब है ना काफी सारी चीजें मार्केट में होने लगी है, हाइड्रोजन अल्टरनेट एनर्जी ही नहीं प्राइस केप लगना स्टार्ट हो गया यूरोप से राइट। तो प्राइस केप इतनी कम रखी है कि ये नेचुरल गैस के परखच्चे उड़ गए राइट। तो अभी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कि नेचुरल गैस में और ज्यादा कुछ धमाल होने वाला है या क्या होने वाला, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे गाइस। तो देखिए यहाँ पे नेचुरल गैस प्राइस का क्या इफेक्ट है वो एक उन्होंने आर्टिकल निकाला है, सो विच आई गोना रीड आउट, मैं हिंदी में भी अनुवाद करूंगा आपके सामने। सो टुडे वी आर ऑफरिंग अ फ्री ग्लिम्पसिंग इनटू आवर वीकली, ओके दैट इज नॉट आई वांट टू अंडरस्टैंड, ओके सो लेट्स टॉक अबाउट यूरोप्स गैस प्राइस कैप माइट बैकफायर सून। द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन हैव एग्रीड टू गैस प्राइस कैप फॉर 180 pound per MWH, approximately $56 per MMBTU. That could be triggered starting from February 15, 2030. If the TTF front month contract exceed the suggested limit for the 3 consecutive days and the simultaneously, if the exchange traded spot price is 35 MWH, the above the reference European, the price kicks in immediately. Once the price keep is triggered, their trades would not be permitted on the front month. Are you getting my point? What exactly it is? I'll explain you guys. इन्होंने अपना एक price cap निकाली है, right? Price cap कर दी कि हमको इतना ही natural gas लेना है, इतना ही सब कुछ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। लेकिन अगर किसी ने भी ये breach किया, right? तो straight away वहाँ पे बिल्कुल trade बंद कर दिया जाएगा, उनको एक मतलब थोड़ी सी भी natural gas नहीं दी जाएगी। एक limits हैं, वो limit जैसे ही हुई, हमारे जैसे होते हैं ना मार्जिन होता है हमारा, मार्जिन लिमिटेशन ब्रोकरेज देता है कि इतनी लिमिट्स है, वो जैसे लिमिट क्रॉस करती है उसके बाद कोई आपको मार्जिन नहीं मिलता राइट। एग्जैक्टली द नेचुरल गैस में जो प्राइस कैप उन्होंने डिसाइड करके अगर उससे ज्यादा अगर कोई लेता है इन 3 consecutive days तो वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया जाता है, वहीं पे उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा कि भाई अब आप नहीं ले सकते, अब आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई। जैसे हम करते हैं ना नोट्स में, जब नोटबंदी हुई थी तब भी हमने बोला था कि हमारी लिमिट तो है 1 लाख की, ठीक है ना, मान लो आपकी 1 लाख की लिमिट है एटीएम से, लेकिन उसमें भी आप है ना 1 लाख एक साथ नहीं निकाल सकते 20-25 days यू नो। तो दैट एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दे आर सेइंग लाइक अगर आपको मतलब जो लिमिट है वो आपको कहीं एक ही दिन में ले लो आप, तो ऐसा भी नहीं कर सकते आप राइट। सो दैट्स व्हाट, बिकॉज वो जमाखोरी हो जाती फिर अगेन वो प्रॉब्लम हो जाती राइट। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, सो दैट इज अगेन अ बैड न्यूज बिकॉज दे आर ट्राइंग टू किल एनीथिंग व्हाट कैन बी डू इन द ब्लैक मार्केट, समझ रहे हो, ब्लैक मार्केट के जो भी रास्ते हैं उन्होंने सारे बंद कर दिए हैं बाय द वे राइट। तो बाय द वे इस चीज का जो इम्पैक्ट होने वाला है वो बहुत नेगेटिव होने वाला है, बिकॉज दैट्स कम्प्लीटली ऊपर से जो कोरोना का जो मैंने अभी क्रूड ऑयल के वीडियो में बोला था कि उसके जो हाल है बड़े बेहाल है गाइस, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मैं और भी एक न्यूज बता देता हूँ आपको, अगर और कोई न्यूज है तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये हमारा आ गया नेचुरल गैस,
सो लेट्स सी अगर कोई और न्यूज है तो ठीक है ना. द क्राइस इज लूमिंग फॉर द यूएस दैट वी डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड. सो देर इज नो न्यूज अदर्स. ओके दैट्स ऑल फॉर नाउ. वेन इट कम्स टू द न्यूज, तो अगर संडे को कोई न्यूज आती है तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. तो अब बात कर लेते हैं कि अब इस न्यूज का जो हो गया है उसका इम्पैक्ट क्या होगा. अब बता कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रहेगा वो लास्ट में रहेगा, उसको कभी मत भूलेगा गाइस. ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अभी जो मार्केट में है ना एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होने वाले हैं. आपको पता है, मेरे को पता है, कोरोना एक महीने के बाद इंडिया में कुछ अलग सिचुएशंस होगी, ठीक है ना. तो इट्स समथिंग, जो बंदा स्मार्ट है वो पहले से प्रिकॉशन लेने स्टार्ट करेंगे. मैं अपने आप को स्मार्ट बोलूंगा डेफिनेटली. मैं आज भी हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स मास्क नहीं लगा के रखे हैं, राइट, मैं मास्क लगा के जाता हूँ. तो ये है गाइस, ट्रेडिंग में भी इस तरीके से आप प्रिकॉशंस एडवांस में रख के चलेंगे. आपको पता है कोरोना आने वाला, कोरोना में क्या होने वाला है ये आप जग जाहिर है. देन व्हाई डोंट यू टेक अ प्रिकॉशन एट द अर्ली फेज, राइट. आपको लेना चाहिए ना अर्ली फेज में प्रिकॉशंस, आप ले लीजिए. तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको चार्ट क्या कह रहा है. सबसे पहले तो है ना, देखो काफी लोगों को ये बकवास नहीं सुननी होती मेरे को, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जो टेक्निकल फंडामेंटल में जो आप पढ़े रहते हैं ना, वो मार्केट में ज्यादा कुछ वैल्यू करता नहीं है वेटिंग, जब तक आपको ट्रिक्स नहीं पता, जब तक आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता, जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता, जब तक आपको आपका कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन, योर माइंड स्ट्रेंथ, माइंड गेम, दिस ऑल अबाउट माइंड गेम. आई टेल यू, क्रिकेट एंड वैसे तो हर गेम में माइंड गेम आता है, कोई सा भी प्रोफेशन उसमें माइंड गेम होता है, लेकिन क्रिकेट और दिस वन आपका स्टॉक मार्केट, दिस ऑल अबाउट माइंड गेम. अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, माइंडसेट अच्छा है, आई थिंक मुझे लगता है कि जब माइंडसेट अच्छा होगा तो डेफिनेटली यू विल लर्न टेक्निकल आल्सो, क्योंकि मेरा माइंडसेट अच्छा है भाई. अगर मैं देखो, आप बोलते हैं ना कि माइंडसेट चाहिए या टेक्निकल स्ट्रेंथ चाहिए, तो भाई जब आपका माइंडसेट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ टेक्निकल स्ट्रेंथ एज वेल, क्योंकि माइंडसेट अच्छा है तो आप मैनेजमेंट भी जानते हैं, और मैनेजमेंट जानते हैं तो उसके लिए टेक्निकल चार्ट भी आप देखेंगे. लेकिन अगर आप टेक्निकली है तो इसका जरूरी नहीं कि आपको माइंडसेट अच्छा हो. सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज वैल्यू, कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, माइंडसेट अच्छा होना चाहिए. तो चलिए बात कर लेते हैं लेवल्स पे. तो जैसा कि मैंने बोला था लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी कल, कि 402 के आसपास जाके ये रिवर्स कर सकता है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. तो अब मुझसे काफी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या सर यहाँ पे हेजिंग की जा सकती है, क्योंकि आपने बोला जिस हिसाब से आप बोल रहे रिवर्स होगा तो ये एक छोटा सा करेक्शन है, अब ये ऊपर जाएगा नहीं, तो क्या हम यहाँ पे फिर से हेजिंग कर ले, फिर से हम यहाँ पे डाउन पोजीशन बना ले? तो आज उसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो हम सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस उसी को देते हैं क्या नहीं करना चाहिए, बट लेट्स टॉक अबाउट क्या करना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे अगर मैं चार्ट देख लूँ आपको, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि मैं अभी भी बीरिश हूँ, लेकिन अब चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि देखो आप परफेक्ट एनालिसिस करते हैं हम, सब कुछ कम्बो मिला के करते हैं. तो वन मंथ में तो बकिया उड़े रखी इसने पूरी, 3 महीने में भी देखो ये हालत खराब कर रखी इसने, 6 महीने पे भी ये हालत खराब कर रखी है. देखिए अगर आप मुझसे पूछे ना गाइस, तो अब मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ पहलू. ओके सो आई टेल यू द व्हाट कैन बी डन हियर. सो मैंने पूरा चार्ट देख लिया. अब आप बोलेंगे कि सर ये आपने सिर्फ 30 सेकंड के अंदर पूरा चार्ट देख लिया, साला हम तो कैंडलस्टिक में लाल हरी नीली पीली मोमबत्तियां ड्रॉ कर करके परेशान हो गए, और आपने 30 सेकंड के अंदर सब कुछ निकाल लिया, ये क्या जादू है? तो ये जादू बाद में बताऊंगा गाइस, जब मैं ठीक है ना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूंगा. तो बात करिए, देखो 430.70 रुपए है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप रखिए 440 का, आप मान लीजिए 442 का है. तो सबसे पहला तो जो अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस बोले, तो मुझे लगता है कि 442 या 45 मान लीजिए वापस से, ज्यादा ज्यादा देखो वॉलिटिलिटी बहुत है मार्केट में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1-2% से हमको तो बहुत मिल जाता है. 445 मान के चलिए, अगर 445 को वापस से क्रॉस करता है और वहां पे सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट कितनी बार, 5 मिनट, शॉर्ट टर्म का बता रहा हूँ, पहले 5 मिनट सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि आपको फिर से एक अच्छा खासा कवरी हो सकती है, मैनिफेस्टेशन हो सकता है, अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है, और वापस से आपको 470 के आसपास लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं. लेकिन अगर 445 के ऊपर 5 मिनट सस्टेन नहीं करता है, ठीक है ना, और अगर यहाँ से वापस से 420 के नीचे चला जाता है, 420 के नीचे अगर यहाँ से चला जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको 400 तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता. 400 टूटेगा, 390 के लेवल्स मिल सकते हैं आपको. तो यहाँ पे 420 का लेवल एक सस्टेनेबल है. अब मैं कल है ना, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं आज तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, मैंने टेक्निकल चार्ट भी बता दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो समय के साथ आपको पता चलती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये कुआ है मेरे सामने, ठीक है ना. अब मुझे बोल रहे हैं कि आप मुझे बोल रहे हैं सर इस कुएं का एनालिसिस करके बता दो कितना गहरा है, ठीक है ना. मैं क्या करूँगा, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज कर लूंगा, स्केल डाल लूंगा, ये डाल लूंगा, वो डाल लूंगा, जो भी करना है मेरे को, मैं उसकी गहराई नापने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना. ये तो मैंने कर दिया, लेकिन सबसे अच्छा उपाय क्या रहेगा,
और ज्यादा बारीक जानने का कि मैं उसमें कूद पड़ूं, आप समझ रहे हैं, मैं कूद पड़ूं तो मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि भाई इसकी गहराई कितनी, इसमें पानी है या नहीं है, तो वो ज्यादा सबसे बेस्ट तरीका वही है, ठीक है ना। तो कूद पड़ूं, लेकिन कुएं में तो मैं कूद नहीं सकता, क्योंकि कुएं में कूद जाऊंगा पानी होगा तो मैं मर जाऊंगा भाई, डूब जाऊंगा, ठीक है ना। कुएं में नहीं कूद सकता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग में तो कूद सकता हूँ ना, समझ रहे मेरी चीज को। तो ये तो हमने ऊपर ऊपर से बना लिया। अब पर्टिकुलर कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं गाइस, ये कंडीशन हर जगह नहीं होती, मैं बता देता हूँ। मैंने हमेशा से बोला है हेजिंग जो भी मेरे पैतरे हैं ना वो कंडीशनली होते हैं गाइस, हर कंडीशन पे हेजिंग फिट नहीं बैठती है, हर कंडीशन पे SIP फिट नहीं बैठती है, हर कंडीशन पे एवरेजिंग फिट नहीं बैठती है, हर कंडीशन में 2 मिनट गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजी सही नहीं बैठती है। हर एक स्ट्रैटेजीज का अपना एक टाइम होता है और वो टाइम डिसाइड करता है मेरा एनालिसिस, वो आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनने का दोस्तों, मैंने आपको लेवल्स बता दिए 445 के। अब जो दूसरी स्ट्रैटेजी है मेरी जो मैं कल देखूंगा, वो है कि मैं कल इसको ऑब्जर्व करने वाला हूँ शुरू के एक घंटे। मैं देखो उठूंगा ही 9:30-10 बजे, तो मैं 10 से 11 बजे तक ऑब्जर्व करूंगा। लेवल मैंने आपको दे दिए, अगर वो हिट होते हैं तो डेफिनेटली आपको उस हिसाब से रिएक्ट करना है, लेकिन मैं सुबह जब भी उठूंगा तो मैं एक घंटे इसको ऑब्जर्व करूंगा, और आप भी ऑब्जर्व करना अगर आप मुझसे पहले उठ के कर लेते हैं तो। ये क्या कर रहा है, ये क्या कंसोलिडेशन हो रहा है, या इसमें सुबह से स्पाइक आया अच्छा खासा डाउन साइड या अपसाइड, ये क्या हो रहा है, ये चीजें आप नोट करके रखिए कि अगर कंसोलिडेशन होता है तो मुझे समझ आ जाएगा कि कंसोलिडेशन होता है मतलब क्या होने वाला है, ये वापस से नीचे जाने वाला है। लेकिन अगर कोई बड़ा स्पाइक होता है, ठीक है ना, तो अलग अलग तरीके, मैं अभी नहीं बोल सकता वो गाइस, मैंने इसीलिए बोला है कि वो मंडे मॉर्निंग को बोलूंगा, और अभी तो संडे को भी वीडियोस आने वाले, हो सकता है संडे को न्यूज आ जाए, राइट। तो ये चीजें गाइस मैंने आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, शॉर्ट टर्म में मैं अभी भी बीरिश हूँ, अभी भी मुझे इसमें 400 के नीचे के लेवल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन वी हैव टू सी ऑन मंडे सैटरडे संडे एज वेल अगर कोई न्यूज आती है तो। तो अभी के लिए मुझे शॉर्ट टर्म में बीरिश हूँ, मुझे 400 के नीचे के लेवल्स नजर आ रहे हैं। अब काफी लोग पूछते हैं सर शॉर्ट टर्म कितना, तो गाइस एक चीज बता देता हूँ, कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि यार शॉर्ट टर्म टाइमलाइन दे देता है, वो भी कमोडिटी मार्केट में, कि 5 दिन का 10 दिन का 15 दिन का ये दिन का वो दिन का, तो वो मुझे लगता है कि वो हो नहीं पाए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता, कोई भी नहीं दे सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मैं ये यूट्यूब पे मैं न जाने कितने लोग देख रहे होंगे इसको, मैं यहाँ पे एडमिट करता हूँ कि मैं टाइमलाइन एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता यार, और कोई नहीं बता सकता, जो बता रहा है वो झूठ बोल रहा है या उसको नॉलेज नहीं है, क्योंकि देखो मार्केट इतना वोलेटाइल है ना, इसमें कोई भी टाइमलाइन बताना इजी नहीं, लेकिन इसीलिए बट मैं शॉर्ट टर्म बोल देता हूँ, तो शॉर्ट टर्म कैन बी 2 days to 1 month, दिस इज व्हाट आई कैन से, यू नो, बिकॉज यहाँ पे टाइमलाइन बताना दोस्तों बड़ा मुश्किल है। वो इंट्राडे का हम बता सकते हैं, लेकिन टाइमलाइन शॉर्ट टर्म में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गाइस न्यूज आ जाती है, मैं कोई आज लेवल दूं, कल न्यूज आ गई, कल कुछ हो गया, कल और न्यूज आ गई, तो फिर मेरा टाइमलाइन खींच गया, आप समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट पर्सन वही है जो अपनी टाइमलाइन को फ्लेक्सिबल बना के चलता है, स्पेशली व्हेन इज ट्रेडिंग ऑन द नेचुरल गैस एंड द क्रूड ऑयल्स। तो समझ गए शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है मेरा। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी आप समझ ही गएंगे जब इंडियन मार्केट में बोल रहा हूँ, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट से ही डिराइव होता है, आपको पता ही है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, जब तक ये 5.30 को क्रॉस नहीं करता है, तब तक मुझे लगता है कोई भी बुलिश माहौल नहीं बनेगा। अगर 5.30 को क्रॉस करता है तो मुझे लगता है हो सकता है 5.45-5.50 आपको फटाफट से मिल जाए, लेकिन नीचे की साइड में अगर ये वापस से, ध्यान से सुनिए दोस्तों, वापस से आपको 5.01 के नीचे जाता है, देखो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो 5 है, लेकिन 5.02 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है वापस से आपको यहाँ पे शायद 4.80 के लेवल तो क्विकली आते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे। सो ऑन एंड ऑल आई एम क्वाइट बीरिश इन शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव, राइट। मंडे के लेवल्स जो रहेंगे वो गाइस मैं डिराइव करूंगा इंट्राडे लेवल्स संडे के वीडियोस में, तो संडे के वीडियोस का वेट करें, संडे लाइव सेशन भी करूंगा, लाइव सेशन का भी वेट करिए, वहां पे मैं आपको फाइनल इंट्राडे लेवल्स वगैरह बता दूंगा कि लेवल्स मेरे अनुसार क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पे भी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, सो दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, यहाँ पे किसी भी तरह की बायसेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेविंग एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको कोई ट्रेड करना तो या तो आप अपनी खुद की रिसर्च से करें या किसी सर्टिफाइड एडवाइजर से कंसल्ट करें, तभी जाके ट्रेड करें, आपके प्रॉफिट उसके लिए आपकी जिम्मेदार है, मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ गाइस। अब बात कर लेते हैं गाइस सेबी की गाइडेंस की, गाइस सेबी कह करके थक गई है, हम सेबी काम करती है कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन जो कॉमन इन्वेस्टर वो खुद ही अपने लिए काम नहीं करते हैं। सेबी कह के तक गई, जब भी कोई आदमी आपको बोले कि कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ है तो आप समझ लीजिएगा वो फर्जी न्यूज़ है। कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ पहले तो लीक करना ही बड़ा अपने आप में एक क्राइम है, तो कोई भी अगर बंदा बोल रहा है कॉन्फिडेंशियल है तो यू शुड नॉट गिव द कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। द सेकंड थिंग, कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़ अगर मार्केट में स्प्रेड होती है तो उसको बिना जांचे बिना परखे
अगर वो ऑथेंटिक है या नहीं, अनऑथेंटिक है, उसके लिए काफी सारे टूल्स हैं। आप मार्केट में वेबसाइट्स चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑथेंटिक, उस पर अगर वो न्यूज है काफी वेबसाइट्स पे, देन वी कैन हैव अजम्पशंस, ओके दैट कैन बी ऑथेंटिक न्यूज, दैट माइट बी कैन शेयर द पीपल्स राइट। बट अगर कोई न्यूज अनऑथेंटिक है, जो आपको लगे कि सिर्फ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे दी गई है, एक ही वेबसाइट पे है, ज्यादा वेबसाइट्स पे नहीं है, तो उसके अनऑथेंटिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और उस न्यूज को आप ना ही फैलाएं। क्योंकि जाने अनजाने में जब आप अनऑथेंटिक न्यूज फैलाते हैं, तो एक तरीके से आप जाने अनजाने में एक विक्टिम बन जाते हैं, बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हैं उनके आप विक्टिम बन जाते हैं। जो ऑपरेटर्स जो अपने काम अपने बंदों से करवाना चाहता है, वो आपसे करवा लेता है, आप ही के अगेंस्ट काम करवाता है और आप ही से करवाता है गाइस। इसीलिए ध्यान रखिए, कभी भी अनऑथेंटिक चीजें ना फैलाएं, ध्यान रखिए कोई भी इनसेंसिटिव न्यूज, इवन स्पेसिफिक कोरोना हो सकता है कि इंडिया में आ जाए, मुझे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं चाइना में, पूरी दुनिया में, तो इंडिया में भी आएंगे ही आएंगे। तो इंडिया में कोई भी ऐसी इनसेंसिटिव न्यूज को YouTube के प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहता हूँ कि ऐसी न्यूज ना फैलाए गाइस, क्योंकि क्या है ना कि आप तो फैला लेते हैं, हमारा जिनका माइंडसेट अच्छा होता है वो समझ जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, लेकिन काफी सारे ऐसे अनपढ़ गंवार लोग होते हैं या जिनका दिमाग अपंग होता है, वो इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं और वो फिर आगे उटपटांग बातें करते हैं 10 लोगों से, और फिर आगे फैलती बातें और फिर मार्केट में एक पैनिक माहौल बनता है। तो वो ना करे गाइस। विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ।